ये आपका फोन, ये सब्सक्राइब का बटन, बटन दबाइए, उसके बाद इस घंटी को या फिर बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। और हाँ, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और टीजीएस के 2 मिनट से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आज से पहले शायद ही वो किसी हिंदी टेक चैनल में बताई गई हो और इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे पास, लेकिन जिस बात की गारंटी है वो ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद और आगे और सीखने के बाद आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर सीख जाएंगे। ज्यादातर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में सबसे बड़ी रुकावट होती है उसके कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग सिंटैक्सेस। जी हाँ, अगर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आगे जाओ या पीछे आओ, और उससे पहले उसे लिखने के लिए आपको 4 लाइनें और लिखनी पड़े, तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मिल जाए जहाँ पे प्रोग्राम करना इतना आसान हो जैसे कि हम आम भाषा में बात करते हैं, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात ही अलग होगी। इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रोग्राम जो कि बहुत ही बेसिक से प्रोग्राम है कंपेयर करके दिखाऊंगा। एक होगा जावा में लिखा हुआ, एक होगा C++ में और एक इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये आसान है या नहीं। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं 2015 से यूज़ किया था, करीब करीब 1 साल के लिए कुछ ऐप डेवलपमेंट्स के लिए, और उसके बाद मैंने इसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि फिर मैं कम्प्लीटली iOS प्रोग्रामिंग में जो कि है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग उसमें चला गया। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊं और फिर आप डिसाइड करें क्या आप इसमें अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, क्या आप इसको सीखना चाहते हैं, या फिर आप प्रोग्रामिंग को थोड़ा और करीब से देखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है नॉन प्रोग्रामर्स के लिए बनाई गई है। इतनी सिंपल है ये कि आप धीरे धीरे इससे एडवांस प्रोग्राम बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रो वीडियो है इस लैंग्वेज का, कहीं से भी कोई ट्यूटोरियल नहीं है। मैं सिर्फ इस लैंग्वेज के बारे में आपको बता रहा हूँ और फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रॉमिस है मेरा कि अगर इस वीडियो को 1000 लाइक मिल गए तो मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर आप और मैं मिलकर एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि आप डिप्लॉय कर सकते हैं एंड्रॉयड में, iOS में या फिर विंडोज में। जी हाँ, ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जिससे बनाया हुआ एक प्रोग्राम आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए लॉगिन करते हैं मेरे कंप्यूटर में और देखते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इससे प्रोग्राम कोड करना कितना आसान है। तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है लाइव कोड। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। तो ये है इसकी वेबसाइट और आप चाहें तो यहाँ पर आई एम कोडिंग फॉर फन में क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अपना आप फर्स्ट नेम डालिए और ईमेल एड्रेस डालिए और आपके ईमेल पे एक लिंक आ जाएगा जहाँ से आप साइनअप करके डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि अगर जब आपने साइनअप कर लिया है तो उसके बाद ये कैसा इसका बैकएंड होता है। तो ये मेरा लॉगिन है और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ अपने नाम पे और इसके बाद मैं क्लिक करूँ इनवॉइसेस में, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका सब्सक्रिप्शन पहली बार 2015 में लिया था और पूरे 1 साल यूज़ करने के बाद मैंने बहुत सारी इससे ऐप्स बनाई और उसके बाद मैं कम्प्लीटली iOS प्रोग्रामिंग में चला गया, तो मैंने इसको ड्रॉप ऑफ कर दिया था। लेकिन इतनी ईजी है कि अगर आपको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती और आप कंसिडर कर रहे हैं प्रोग्रामिंग करना, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें। और आपको ये पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ प्राइसिंग में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो कम्युनिटी वर्जन है बिल्कुल फ्री है। इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन सीखने के लिए बहुत सही है। पर कल के दिन आपको लगे कि आप अपनी खुद का ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आप सीख चुके हैं, तो आप फिर इंडी लाइसेंस ले सकते हैं जो कि करीब करीब $500 है 1 साल का। अगेन, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे इंस्टॉल करने के बाद आप कैसे इसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कितनी सिंपल है इसे प्रोग्रामिंग करना। तो मैं इसको लॉन्च करता हूँ अभी। तो लॉन्च किया, इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा न्यू पे और फिर मैं जाऊँगा न्यू स्टैक में। ये सिंपल सा इसका एक इंटरफेस ID आप बोल सकते हैं इसको। अब मान लीजिए मुझको डिस्प्ले करना है वेलकम टू TGS या कुछ भी, और आप चाहते हैं कि आप एक बटन प्रेस करें और बटन प्रेस करने के बाद आपको एक आउटपुट मिले, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कितना ईजी है वो करना। लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल्स की पैलेट दिखेगी जहाँ से आप डिफरेंट बटन्स को या फिर कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक बटन को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये बटन है, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब इस बटन का सबसे पहले नाम चेंज करते हैं। नाम चेंज करने के लिए या तो इसमें आप डबल क्लिक कर लीजिए या फिर इस बटन को सेलेक्ट करके आप इंस्पेक्टर में क्लिक करिए और यहाँ पे चेंज कर लीजिए, चेंज करके इसका नाम कर दीजिए प्रेस मी फॉर एग्जांपल। तो अब इस बटन को प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करना बहुत ही आसान है। आप इस बटन में क्लिक करिए और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए कोड में। कोड में जाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कोड और बहुत ही सिंपल कोड है यहाँ पर, ऑन माउस अप
आप एंटर मारेंगे तो लास्ट लाइन अपने आप आ जाएगी, और आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको लिखना है आंसर, आंसर डबल इनवर्टेड कॉमास, वेलकम टू टू मिस थर्सडे, और डबल इनवर्टेड कॉमास बन, दैट्स इट। अब आपको इसे अप्लाई करना है, आप देखेंगे यहाँ पे नो एरर्स अकर्ड, मतलब कोई भी एरर नहीं आया। अब इसको आप बंद कर दीजिए, और इसको रन करने के लिए आपको रन मोड में जाना पड़ेगा। इसमें दो मोड होते हैं, एक होता है एडिट मोड और एक होता है रन मोड। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मतलब है कि अभी आप एडिट मोड में हैं, यहाँ पे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स खुला सकते हैं, उनको प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन रन करने के लिए आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा, इस एरो में यहाँ पे क्लिक करिए। अब हम आ गए हैं रन मोड में, बस अब आप प्रेस करिए इसको, प्रेस मी क्लिक करते ही हमको मिलेगा हमारा मैसेज, वेलकम टू ट्यूमर्स थर्सडे, ओके दैट्स इट। अब आप चाहें तो इस प्रोग्राम को आप विंडोज़ में डिप्लॉय करें, एंड्रॉयड में डिप्लॉय करें, आईओएस में डिप्लॉय करें, आपकी मर्जी। मुझको मालूम है कि ये कहीं भी डिप्लॉय होने लायक नहीं है अभी, बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, लेकिन अगर आप इसी प्रोग्राम को जावा या सी प्लस प्लस में लिखेंगे तो देखते हैं वो कैसा दिखेगा। वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये है जावा का प्रोग्राम और इसके बगल में ये रहा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। तो देखा आपने कितना आसान है इससे प्रोग्रामिंग करना, और यही नहीं बहुत सारे एडवांस प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं तो खाली दिखाने का था, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तीन प्रोग्राम्स को तो कितना आसान है इसमें प्रोग्रामिंग करना। तो दैट्स इट, आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और जो मेरे नॉन प्रोग्रामर भाई लोग हैं उनको इसे देख के थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आया होगा। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।